हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकिस ब्राइडल मेकर एंड एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल ब्राइडल बन। ये हमारी रियल ब्राइड है जिनको हम आज मेकअप हमारा हो चुका है, अब अच्छा सा प्यारा सा बन स्टाइल विद फ्रंट वेरिएशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी हमारी क्रिम्पिंग टेक्निक किस तरह से की जाती है, प्रिपरेशन किस तरह से करना है। कोई भी हेयर में अगर आपको फ्रंट वेरिएशन एडवांस लेना है तो आपको क्रिम्पिंग ज़रूरी होती है। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप क्रिम्पिंग। सो आप भी देखिए हमारी प्रिपरेशन किस तरह से हमने फ्रंट में क्रिम किया है। क्विकली वी आर वर्किंग विद द फ्रंट सेक्शन एंड लिटिल पफ सेक्शन को हमने क्रिम करके रखा हुआ है। तो आगे हम देखेंगे पफ सेक्शन किस तरह से निकाला जाता है, सेक्शन बाय सेक्शन किस तरह से वर्क होता है। सो जस्ट सी हाउ द क्रिम्पिंग टेक्निक इज डन विद आई एम यूजिंग ओवर हियर आइकॉनिक क्रिम्पिंग मशीन। सो आज की मेरी ब्राइड को बहुत क्विक लुक चाहिए और प्रैक्टिकल लुक चाहिए, बट सी हर टेक्स्चर को आपको मैनेज करना होता है जिससे परफेक्ट फिनिशिंग आए। 100% फिनिशिंग के साथ में क्लाइंट भी सेटिस्फैक्शन होने चाहिए ताकि हमारी फिनिशिंग के साथ उनका भी कॉन्फिडेंट बढ़े और वो भी एक कॉन्फिडेंटली वेडिंग में जा सके। तो फर्स्ट सी हाउ द प्रेशर वी आर डूइंग। क्विकली वी आर गोइंग टू डू अ क्रिम्पिंग टेक्निक। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे सेक्शन ले लेके हमने क्रिम्पिंग करी हुई है, पहले ऊपर और फिर वही सेक्शन को डाउनवर्ड कर रहे हैं ताकि एक बहुत अच्छा बाउंस बना रहे। क्रिम्पिंग टेक्निक से बाउंस और रफनेस दोनों भी आती है। सो डू अ प्रॉपर क्रिम्पिंग सो जिससे आपका आधा काम फिनिशिंग का, बाउंस आने का काम आपका क्रिम्पिंग ही कर देगा। सो जस्ट हैव अ लुक विद दिस प्रॉपर टेक्निक विद द वेरिएशन। यहाँ पे मेरे फुल वन साइड हमारा क्रिम्पिंग ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम बैक साइड में वर्क करेंगे। लिटिल पफ सेक्शन मतलब ऊपर से ही लिटिल पफ सेक्शन टू द ईयर सेक्शन हम इसको प्रॉपरली क्रिम कर देंगे। सो जस्ट हैव अ लुक। सो वापस से आ जाते हैं हमारे वेरिएशन की तरफ। स्टार्ट करते हैं फ्रंट सेक्शन से। फ्रंट सेक्शन मिडल पार्टीशन एंड प्रॉपर ईयर टू ईयर सेक्शन। मिडल सेक्शन एकदम प्रॉपर आना चाहिए बिकॉज मेरी ट्रेडिशनल ब्राइड को मैं मांग टिक्का भी डालने वाली हूँ। थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो आपका जो सेक्शनिंग है वो भी मांग टिक्के के मांग टिक्का प्रॉपरली सेट नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे मैंने मिडल सेक्शन ईयर टू ईयर सेक्शन को अलग कर दिया है। अब आप देखना कि मैं किस तरह से पफ सेक्शन कहाँ से लेती हूँ। सी द पफ सेक्शन। सो दिस इज़ द परफेक्ट सेक्शन फॉर आवर पफ। प्रॉपर बैककॉमिंग से एक अच्छा सा पफ बनाएंगे। ये वाला सेक्शन मैंने पफ का जो सेक्शन अलग किया उसको भी मैंने क्रीम करके रखा हुआ है और नीचे के रेस्ट ऑफ द सेक्शन हेयर है, बैक हेयर, वो मैंने नॉर्मल ही उनके विदाउट प्रिपरेशन वाले हेयर है। बट वहाँ पे मुझे एक क्विक लुक लेना था जो मैं बन बनाने वाली हूँ तो मैं वहाँ पे नहीं। बट देखो मैंने प्रिपरेशन के वक्त
हार्ड स्प्रे यूज़ किया है और इस तरह से ऊपर लेके प्रॉपर फिनिशिंग में जो बेबी हेयर्स है एक भी आउट नहीं होने चाहिए और फिनिशिंग में हमारा काम दिखना चाहिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द हेयर स्टाइल हमें ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो और जैसे हम हेयर स्टाइल स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके प्रॉपर नीट वर्क में हम वर्क स्टार्ट करें। सो यहाँ पे मैंने एक रबर बैंड ले ली है, उससे मैं सिक्योर कर रही हूँ मेरी पोनी को। प्रॉपरली टाइट पोनी बनाएंगे एंड बहुत अच्छे से एक पोनी के बाद पफ सेक्शन में आपको दिखाऊंगी किस तरह से बैक कॉम्बिंग की जाती है और प्रॉपर पफ किस तरह से बनता है। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करती रहिए इंस्टाग्राम पे ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसर और यूट्यूब चैनल हमारी फॉलो कीजिए अंकिज ब्राइडल मेकओवर एंड स्टूडियो। सो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं पफ सेक्शन। पफ सेक्शन में स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पे एक मांग टिक्का का फिक्स कर लेते हैं। तो जो मैंने आगे का मिडिल सेक्शन किया हुआ है उसी सेक्शन को मैं कंटिन्यू करके ये सेक्शन के दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी ताकि मेरा मांग टिक्का प्रॉपरली प्लेस हो जाए। सो यहाँ पे मैंने मिडिल सेक्शन प्रॉपर निकाल लिया ताकि मेरा मांग टिक्का टेढ़ा मेढ़ा ना लगे। सो आई हैव टू फिक्स माई मांग टिक्का ओवर हियर अकॉर्डिंग टू फॉरहेड अकॉर्डिंग टू फेस फ्रेमिंग हमें मांग टिक्का चूज़ करना है और प्रॉपर प्लेसमेंट देनी है। सो जस्ट हैव अ लुक विद दी प्रॉपर मांग टिक्का प्लेसमेंट। सो ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे चैनल पे आपको देखने मिलेंगे तो ज़रूर से फॉलो करते रहिए और कुछ नया नया हमेशा सीखते रहिए। अंकिज अकेडमी इन मुलुंड मुंबई। फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन फॉर क्लासेस यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9773549 47। सो मैं मेरे दूसरे वीडियोस में आपके लिए ज़रूर से मेंशन करूँगी मांग टिका फिक्सिंग किस तरह से करनी है। सो ऑलरेडी एक दो वीडियोस मेरे ऑलरेडी आ चुके हुए हैं पर डिटेल में मैं वापस से बताऊंगी। यहाँ पे हम पफ सेक्शन चालू करते हैं और सी सेक्शन से हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट सेक्शन 90 डिग्री पे होल्ड करके जस्ट बैक कॉमिंग लेनी है। सी द बैक कॉमिंग एंड आई एम डूइंग माई हार्ट स्प्रे विद द पी प्रोफेशनल हार्ट स्प्रे जस्ट सेटलिंग एंड अगेन जस्ट अच्छे से उसको राउंड शेप में स्प्रेड कर दो। अगेन द सेकेंड सेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हेयर स्टाइल भी हो जाएगी। जस्ट हैव अ लुक अगेन द सेकेंड सेक्शन अगेन द बैक कॉमिंग ऑन द 90 डिग्री एंड स्प्रे प्रॉपर बैक कॉमिंग एंड प्रॉपर सेक्शनिंग ऑल आर द मैटर्स ऑफ जस्ट परफेक्शन। सो यहाँ पे मेरा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ पफ बनना स्टार्ट हो चुका है। अब हम वर्क करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। अब जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगी वैसे मेरी फिनिशिंग लेयर बढ़ती जाएगी। सो मेरे बैक कॉम्बिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। जैसे मैंने 90 डिग्री किया अब मेरा थोड़ा सा 180 डिग्री स्लांट पे बैक कॉम्बिंग होगा एंड जस्ट रूट बैक कॉम्बिंग। सो इसी तरह से परफेक्शन से काम कीजिए और 100% फिनिशिंग के साथ नई नई टेक्निक सीखिए और वर्क 100% दीजिए अपने क्लाइंट को। दैट्स इट। दिस इज़ माई लास्ट सेक्शन। तो जहाँ पे बहुत अच्छी फिनिशिंग होनी चाहिए सो आई डू 180 डिग्री एंड जस्ट रूट बैक कॉमिंग एंड जस्ट लिटिल स्प्रे ऑन बैक कॉमिंग। प्रॉपरली बैक कॉमिंग हो चुका है। अब सेटल कर देते हैं ताकि कोई भी बेबी हेयर्स आउट ना हो और अच्छे से हमारा पफ भी बाउंसी लुक बने। अब अच्छे से पिन सिक्योर करनी है, पफ को सिक्योर करना है पिनिंग से। परफेक्टली शाइन स्प्रे करते हैं एंड जो भी बेबी हेयर्स अगर ऊपर ऊपर है तो उसको भी हम परफेक्टली फिनिशिंग के साथ सेट कर देते हैं। सो यहाँ पे मेरा पफ परफेक्टली फिट हो चुका है। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ वर्क करेंगे। और यहाँ पे पफ सेक्शन के वक्त आपको बड़ी बॉबी पिन का यूज़ करना है ताकि कम से कम बॉबी पिन में आपका पफ सिक्योर हो जाए और परफेक्टली प्लेस भी हो जाए।
तो ये पिनिंग टेक्निक का भी एक वीडियो मैं ज़रूर से डालूंगी हमारे चैनल पे, तो हमें फॉलो करते रहिए, यूट्यूब चैनल अंकिस ब्राइडल मेकओवर एंड अकेडमी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसर, ANKITAGOSAR, अंकिता गोसर। मैं ज़रूर से लास्ट में मेंशन कर दूंगी दोनों आईडीज़ को, अब ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। सो यहाँ पे मेरा पफ सेक्शन एकदम परफेक्टली फिट हो चुका है विद द पोनी, दोनों को मैंने बहुत अच्छे से मर्ज कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू हर फेस स्ट्रक्चर ऑलरेडी इनका फेस लंबा है, तो हमने हाइट बैक साइड से ज़्यादा दी है, फ्रंट से कम रखी है। तो यही सारे टेक्निक होती है एक फेस फ्रेमिंग की, सेक्शन थ्योरी की, बैक कॉमिंग टेक्निक, सिक्स स्प्रे एंगल्स, एवरी सिंगल सिंगल डिटेल यू हैव टू लर्न विद द परफेक्शन। सो यहाँ पे इनका साइड फेसिंग को कवर करने हमने कर्ल्स के लिए हेयर छोड़े हैं, और बैक साइड में वर्क करते हैं हम। बैक साइड में हम दो पार्टीशन करके इनको ट्विस्टिंग टेक्निक में पुलिंग टेक्निक करेंगे, इट्स एडवांस टेक्निक, पुलिंग टेक्निक कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेक्शन लिया है और लिटिल रूट बैक कॉमिंग एंड जस्ट ट्विस्टिंग विथ माय हैंड मूवमेंट्स एंड जस्ट ट्विस्टिंग एंड लॉकिंग इन बिहाइंड और वेरी सिंपल पुलिंग टेक्निक। सो जो पूरे लुक को एनहांस करेगा वो हमारा पुलिंग टेक्निक रहेगा। सो आई होप आप सभी को भी ये फ्रंट वेरिएशन अच्छा लगा रहेगा। अकॉर्डिंग टू हेयर सिंगल लाइन भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे दो सेक्शन में डिवाइड करके दो सेक्शन में इसको वर्क किया है। यहाँ पे हार्ड स्प्रे करके मैंने ये लाइंस को भी सिक्योर कर ली है, पुलिंग टेक्निक से जो पुलिंग लाइन बनाई है उसको हमने अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब वापस से हम सेकेंड सेक्शन लेके सेकेंड सेक्शन में अगेन द सेम हैंड मूवमेंट्स यूज़ करेंगे एंड फर्स्ट मैं कर रही हूँ यहाँ पे शाइन स्प्रे, परफेक्टली बेबी हेयर को सेट करना है, अगेन द हेयर में शाइन लानी है। सो परफेक्ट आप देख सकते हो दोनों हेयर में फ़र्क कितना हो जाता है, और जहाँ पे पुलिंग करना है स्प्रेडिंग करना है वहाँ पे शाइन स्प्रे करके करोगे तो परफेक्टली आपको भी बहुत अच्छे से एक आइडिया मिलेगी। सो यहाँ पे एक सेक्शन में हेयर उनके थोड़े कम है तो हमने डबल सेक्शन से लेके उनका प्रॉपर ट्विस्टिंग ऊपर से लेके नीचे तक हमने किया है। सो इसी तरह से फ्रंट में अगर आपको कभी भी दिक्कत आती है तो आप इस तरह से दो सेक्शन लेके भी आप प्रॉपरली ऊपर से नीचे तक ट्विस्ट कर सकते हो। सो बहुत ही सिंपल बट यूनिक स्टाइल से हमने ये बहुत अच्छा एक ट्यूटोरियल बनाया है आप सभी के लिए। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगे और कुछ नया और प्रैक्टिकल सीखने मिले। दिस इज़ द फ्रंट वेरिएशन जो आप फुल अप ले सकते हो, फुल साइड ले सकते हो, बैक पफ की जगह पे ये कर सकते हो, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो आपको सीखनी है, आपके क्लाइंट को देनी है, प्रैक्टिकल वर्क में आपको इन्वॉल्व करनी है। ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ रियली रियली वर्क ऑन फेस चेंजिंग, हेयर स्टाइल इज जस्ट फेस चेंजिंग, योर गेम चेंजिंग वेरिएशन। तो जस्ट लर्न दिस वेरिएशन एंड गिव इट टू योर क्लाइंट्स। सो यहाँ पे हमारा वन साइड वेरिएशन डन हो चुका है, नाउ आई एम मूविंग टू सेकेंड साइड। सो सेकेंड साइड में भी सेम जहाँ वहाँ पे किया ये सेम टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन। दो सेक्शन में यहाँ पे भी टर्न करेंगे, फर्स्ट में शाइन स्प्रे एंड फिर ट्विस्टिंग करके हम पुलिंग टेक्निक करेंगे। यहाँ पे मैं ऑसिस का शाइन स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा रूट बैक कॉमिंग एंड यूजिंग दी हैंड मूवमेंट यहाँ पे मैं सेम पुलिंग टेक्निक करूँगी। जस्ट सी हाउ सिंपल इट इज़ विद जस्ट हैंड मूवमेंट्स।
सो इसी तरह से दोनों साइड के फ्रंट वेरिएशन भी हम कर लेंगे और पुलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अभी बैक में हम क्विकली एक पोनी बनाएंगे एंड जल्दी से जल्दी उसको सिक्योर कर लेंगे। वेरी इजी नॉर्मल पोनी है और उसको हम सिक्योर कर लेते हैं क्विकली बहुत अच्छे से। एक नॉर्मल हेयर पे विदाउट प्रिपरेशन हेयर में भी ये आप कर सकते हो। सिंपल पोनी बनाइए और उसको ट्विस्ट करके लगा दीजिए। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल बन और क्विक टेक्निक में एलिगेंट लुक आप ट्रेंडी स्टाइल आप कर सकते हो इन बन में। जिनको टिपिकल बन नहीं पसंद है उसको आप इस तरह का एक अलग लुक दे के भी आप एक ट्रेंडी लुक क्रिएट कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। और ये ऐसा बन बन जाता है कि आप किसी को पार्टी में भी दे सकते हो, किसी को आप एनी अदर फंक्शंस में दे सकते हो। सी इसको अब मैं ट्विस्ट करके किस तरह से इसको हम प्लेस कर रहे हैं। विद दी हेल्प ऑफ यू पिन अब हम इसको लॉक कर देंगे। नीचे जो हमारी बॉबी पिन है उसी पे हम उसको लॉकिंग के लिए यूज़ करेंगे। सो ये लूज़ भी नहीं होगा और एक यू पिन की हेल्प से एवरी एंगल हम इसको सिक्योर कर लेंगे। सो प्रॉपरली सिक्योर करने के बाद हम इसके ऊपर डायरेक्टली क्विकली एसेसरी प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वापस से आते हैं फ्रंट साइड जो हमने हेयर रखे हुए हैं उसको हम कर्ल्स कर देते हैं। पहले मैंने इसको शाइन स्प्रे से प्रॉपरली सेट कर दिए है और अब मैं यहाँ पे 13 नंबर का मशीनरी यूज़ कर सकती हूँ। दिस इज़ द स्टाइलेक्स मशीनरी
इज़ अवेलेबल विथ अस अंकिस ब्राइडल मेकओवर से आप ऑर्डर कर सकते हो। सो ऑर्डर करने के लिए नंबर है हमारा 9773-54947। ऑल ओवर द इंडिया आपको ये कुरियर सर्विस मिल जाएगी। और बैक साइड के साइड आते हैं, फटाफट से हम हमारा एसेसरी प्लेस करते हैं। बन है, ये रेडीमेड बन अवेलेबल है जो मैं ब्राइड के लिए यूज़ कर रही हूँ फॉर वेडिंग फंक्शन। सो यहाँ पे प्रॉपरली यूपिन की हेल्प से हम इसको भी सिक्योर कर लेंगे प्रॉपरली। और इसी के बाद एवरी एंगल हम सिक्योर करने के बाद इसके ऊपर एलिगेंट सा एक फ्लावर लुक, आर्टिफिशियल फ्लावर लुक का एक वेल लगा देंगे जो हेयर एसेसरी का काम करेगा।
सी दिस इज द परफेक्ट फॉर ब्राइडल एंड इट्स वेरी एलिगेंट लाइक अ रियल फ्लावर टच. सो कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ लिया है हमने जो इनके आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से मैच कर जाए और पूरे लुक को एनहांस करें. सो दिस इज़ हाउ माई फुल लुक इज़ क्रिएटेड. आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल एंड एन्जॉय द सेशन. सो फॉर मोर वीडियो यू कैन जस्ट फॉलो अस ऑन यूट्यूब चैनल अंकिस ब्राइडल मेकओवर एंड अकेडमी, और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो फॉर मोर लाइव सेशन एंड रील्स एंड एवरीथिंग. यू कैन फॉलो अस ऑन ब्राइडल मेकओवर बाय अंकिता गोसर. सो डू विजिट अवर अकेडमी फॉर मोर डिटेल ऑफ अवर कोर्सेज, ब्राइडल इंक्वायरी, ब्राइडल रिलेटेड ऑर्डर्स. यू कैन विजिट अस ऑन अंकिस अकेडमी इन मुलुंड मुंबई. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज हेयरस्टाइल एंड थैंक यू, बाय बाय. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप सभी को ये हेयरस्टाइल कैसी लगी और हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने शेयर की है आपके साथ में वो कैसी लगी, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डालिएगा और ज़रूर से हमें बताइएगा आपको नेक्स्ट वेरिएशन क्या अच्छे से सीखना है. वी हैव लॉट्स ऑफ वेरिएशन विद दी सिंपल क्विक एडवांस टिल इंटरनेशनल लेवल. सो ज़रूर से हमें फॉलो कीजिए और आपकी भी डिमांड्स हमारे तक पहुँचाइए ताकि हम भी आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग वीडियोज़ बनाते रहे और आप तक पहुँचाते रहे. सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून.